सूर्य को टीम से निकाला, ईशान को नहीं मिली एंट्री, तैयारी के नाम पर बीसीसीआई की मनमानी कब तक? अगर ये प्रयोग है तो गंदा है। सूर्य को बैठाना, ईशान से पानी भरवाना गलत। केएल के लिए कुछ भी करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ आराम, श्रीलंका के खिलाफ कुर्सी पर बैठाया, सूर्य के साथ कौन कर रहा है मजाक? साल 1983 के वर्ल्ड कप में कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन की पारी खेली थी, क्या उस पारी के बाद उनको कोई बाहर बैठा सकता था? अगर नहीं तो फिर ईशान किशन के दोहरा शतक और सूर्या के शतक के बाद भी टीम में मौका क्यों नहीं मिला? कौन है जो योग्य खिलाड़ियों की प्रतिभा से खेल रहा है? आज जब टीम इंडिया की बैटिंग चल रही थी तब दुर्भाग्य से ही सही सूर्या और ईशान किशन बाहर बेंच पर बैठकर ताली बजा रहे थे। ये सवाल सिर्फ आपके मन में नहीं है, सबके मन में है। आखिर ये प्रयोग कौन कर रहा है? क्योंकि तीन तर्क दावा करते हैं कि योग्यता का कोई सम्मान नहीं है। लास्ट टेस्ट के मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव आज नहीं खेल रहे। लास्ट वनडे के मैन ऑफ द मैच ईशान किशन को बाहर कर दिया। लास्ट T20 के मैन ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव को बेंच पर बैठाया। यानी चल क्या रहा है? मैन ऑफ द मैच मिला तो समझो टीम से बाहर गए। बीसीसीआई ने संकेत दे दिया, खेलना है तो राहुल और रोहित की तरह खेलो वरना बाहर होना पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि राहुल की बीसीसीआई में ऐसी क्या पकड़ है कि जिनके आगे शतकवीरों को भी बाहर कर दिया जाता है? सोशल मीडिया पर क्षेत्रवाद और जातिवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। ईशान किशन बिहारी है इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, जबकि केएल राहुल कर्नाटक के और कर्नाटक से ही आते हैं। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ तो वो अंदर है। दूसरी तरफ सूर्या यादव है तो उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। ये सवाल बेशक जायज नहीं है, पर जब जानबूझकर योग्यता का पकौड़ा तलने बाहर बैठाया जाएगा तो फिर ऐसे सवाल मन में आएंगे ही। दो दिन पहले चेतन शर्मा को बीसीसीआई ने चयन समिति का अध्यक्ष बनाया तो ये सवाल और तेजी से जोर पकड़ने लगा। कुछ घंटे पहले तक सूर्य कुमार यादव की तारीफ पूरी दुनिया कर रही थी और अचानक उनको बाहर बैठाना किसकी रणनीति है? वर्ल्ड कप से पहले अब सिर्फ 14 मैच बचे हैं, लेकिन ईशान और सूर्य को बाहर रखकर कौन सी टीम बनाई जा रही है? सूर्य का मुद्दा पीएम मोदी तक पहुंचाया जा रहा है। ट्विटर पर दर्शक पीएम मोदी और अमित शाह को टैग कर पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। राष्ट्रीय यादव सेना ट्रस्ट नाम की आईडी से ट्वीट किया गया जिसमें लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी, सदी के महान क्रिकेटर के पास तारीख के शब्द नहीं है, लेकिन जातिवादी चयनकर्ता सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों को ड्रॉप कर रहे हैं, कृपया ध्यान दें। तस्वीर में अखबार की कटिंग लगाई गई जिसमें कपिल देव कहते हैं, सूर्य जैसे खिलाड़ी सदी में एक बार पैदा होते हैं। गौतम गंभीर कमेंट्री के दौरान ही सूर्य ईशान के ना खिलाने पर भड़क गए। कई दिग्गज खिलाड़ी नाराज हो गए। मोहम्मद कैफ ने भी साफ कर दिया, ये ठीक नहीं है। गौतम गंभीर का बयान, ये कैसा सिलेक्शन है? दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन को बाहर बैठा दिया, समझ से परे। सूर्य को भी आपने बाहर बिठाया, ये कैसे हो सकता है? सूर्य हर टीम में हर हाल में खेलते हैं। मोहम्मद कैफ का बयान, आज भारतीय टीम को देखकर सहज नहीं हूँ। पिछली वनडे पारी में दोहरा शतक लगाने वाला ईशान किशन और पिछली T20 पारी में शतक जड़ने वाला सूर्य कुमार यादव बाहर है, उम्मीद है कि उनका मनोबल बना रहेगा। वेंकटेश प्रसाद का बयान, दोहरा शतक जमाने वाले को आप बाहर कैसे कर सकते हैं? यही कारण है कि सीमित ओवर्स के क्रिकेट में हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। बार बार बदलाव और शानदार प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी बाहर, एक्स फैक्टर पर औसत प्रदर्शन को तरजीह। हम कहते हैं कि ऐसा मत करो कि कोई योग्य इंसान हताश हो जाए। अगर आप सूर्य या ईशान किशन की जगह होते तो क्या सोचते, क्या करते? मजबूरी में कैमरे के सामने बैठकर ईशान और सूर्य हंस रहे हो, पर असल में उनका दिल रो रहा होगा। केएल राहुल को हटाकर ईशान को 100% मौका देना था। आपको याद होगा करुण नायर नाम के खिलाड़ी का किस्सा, वो अपने पहले ही टेस्ट मैच में 13 शतक मारता था और फिर उसके साथ ठीक ईशान किशन वाला व्यवहार किया जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब वो टीम से हमेशा के लिए बाहर हो जाता है और फॉर्म तक भूल जाता है। इसलिए कहते हैं, जलते हुए दीपक में पानी डालकर बुझाने वालों की कमी नहीं है। आज तो आपको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए ताकि जब ये रिपोर्ट सूर्य और ईशान के पास पहुंचे तो वो आपका कमेंट पढ़ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।